हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप लोग? आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ सिंपल एंड इजी आई मेकअप। तो मैं यहाँ पे फेस मेकअप पहले ही कर ली हूँ। मैंने इस आई मेकअप के लिए सिर्फ 4 एसेडो कलर का यूज़ किया है। बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से मैंने ये मेकअप किया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें अपने आईब्रोज को फिल करना है। तो मैंने यहाँ पे आईब्रोज को फिल करने के लिए आईशैडो पैलेट्स में से ही ब्लैक कलर लिया था। ब्लैक कलर से मैं यहाँ पे आईब्रो को फिल कर रही हूँ। हमें अच्छी तरह से आईब्रो को फिल करना है। तो यहाँ पे हमारा ये आईब्रो फिलिंग हो गया है। फिर मैं यहाँ पे स्वीट ब्यूटी का कंसीलर ली हूँ। कंसीलर को आईलिड के ऊपर लगाना है और उसे अच्छी तरह से ब्लेंड करना है ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से। जब भी हम ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करें तो हमेशा गीला ब्यूटी ब्लेंडर ही यूज़ करें। वेट ब्यूटी ब्लेंडर उसे ब्लेंडिंग काफ़ी अच्छी होती है। ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंडिंग उतनी अच्छी नहीं हो पाती है। फिर मैं यहाँ पर लैक्मे का कॉम्पैक्ट पाउडर ली हूँ। कॉम्पैक्ट पाउडर से हमें अपने कंसीलर को अच्छी तरह से सेट करना है। उसके बाद मैंने जैकलिन हिल का ये आईशैडो पैलेट लिया है। आईज मेकअप के लिए मैंने यहाँ पे फ्लॉपी आई ब्रश लिया है। तो हम जब भी आई मेकअप करें तो हमेशा लाइट कलर से स्टार्ट करें। तो मैंने यहाँ पे लाइट ब्राउन कलर लिया है। उसके बाद मैं इसे अच्छी तरह से ब्लेंड करते हुए अपने आईलिड के ऊपर लगाऊंगी। यहाँ पे मैंने दूसरा कलर यूज़ किया। अब मैं यहाँ पे तीसरा कलर डार्क पर्पल कलर लिया है। इसे मैं अच्छी तरह से आईलिड पे ब्लेंड करूँगी और आउटर कॉर्नर पे अच्छी तरह से इसे थोड़ा डार्क शेड दूंगी। इस तरह से हमें अच्छी तरह से आईशैडो को ब्लेंड करनी है। हमारा ब्लेंडिंग जितनी अच्छी होगी उतना अच्छा हमारा आई मेकअप भी होगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे ब्लू कलर का ये आईशैडो लिया। ये थोड़ा शाइनिंग है, सिमरी टाइप की है। पहले मैंने 3 मैट कलर यूज़ किया है। इसे मैं आउटर कॉर्नर से मिडिल तक लगाऊंगी। मैंने यहाँ पे बिना कट क्रीज किए ही कट क्रीज वाला लुक दिया है। उसके बाद मैं फिर से डार्क पर्पल कलर लेके उसे उस कलर के साथ अच्छे से ब्लेंड करूँगी। इस तरह से हम देख सकते हैं। फिर मैंने यहाँ पे आईलाइनर लिया है। मैं यहाँ पे विंग आईलाइनर लगाई हूँ। इस तरह से आईलाइनर लगाने के बाद मैं यहाँ पे वाटर लाइन में काजल फिल करूँगी। उसके बाद मैंने यहाँ पे ब्लू हेवन का काजल लिया है। इसे वाटर लाइन में अच्छी तरह से फिल करेंगे। उसके बाद ब्लैक आई शैडो से उसे नीचे में वाटर लाइन के नीचे थोड़ा स्मच करेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे फिर से थोड़ा डार्क ब्राउन कलर लिया है।
उसे भी अच्छी तरह से वाटर लाइन के नीचे ब्लेंड करनी है। उसके बाद मैं यहाँ पे मेकअप और ये आईलाइनर सॉरी मास्कारा ली हूँ। आईलैशेस को अच्छी तरह से आंगलों की हेल्प से लगाना है।